तो दोस्तों बेसिकली बॉलीवुड इज नोन फॉर मसाला एक्शन डांस एंड रोमांस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्क्रिप्ट और कंटेंट। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। जैसे कि आप लोगों ने देखा भगवान का भी इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली स्क्रिप्ट का तो बॉलीवुड से कोई लेना देना है ही नहीं। आजकल बॉलीवुड में सिर्फ एक ही स्टोरी या स्क्रिप्ट चल रहा है जो कि है ये। एक दिन की बात है, एक डायरेक्टर था, उसके पास स्क्रिप्ट राइटर खरीदने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था वो बेचारा। एक दिन पर्सनल टाइम स्पेंड करते हुए उसने एक तेलुगु मूवी देखी। उसको मूवी पसंद आई, कास्टिंग किया, मूवी बनाया, पैसे कमाया, फिर मरते दम तक ठान ली कि अगले तेलुगु मूवी आने तक हरिद्वार पे माथा टेकेगा। दी एंड। इनमें कुछ खुद्दार डायरेक्टर भी होते हैं जो लोग तेलुगु तमिल मूवी का रीमेक बनाने को कड़ी निंदा करते हैं, पर वो लोग करते क्या है, वो लोग मलयालम मूवी का रीमेक बना लेते हैं। पर इनको अब बताए कौन, कॉपी तो कॉपी होता है। अपने इंडस्ट्री में एक करण जौहरी है जो अपने खुद के कंटेंट से चल रहा है, पर आपका आईक्यू चाहे स्टीफन हॉकिंग से ऊपर हो, करण जौहर का कंटेंट आपके समझ से बाहर होगा। समझ गए? क्योंकि लॉजिक और सेट थ्योरी तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है और करण जौहर का मैथमेटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एक ऐसी ही दुर्घटना हुई मेरे साथ, दुर्गामती। वैसे ट्रेलर और मूवीज रिव्यू करते वक्त मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें रहते हैं, फेयर रहना और हेल्दी क्रिटिसिज्म करना। यार ये दुर्गामती बनाते वक्त डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का मती मारी गई थी क्या? इतना कॉपी के जेरोक्स भी खुद शर्मा जाए और बोले क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। और कास्टिंग का क्या बताएं, भूमि पदनेकर जैसे एक आउटसाइडर से निचोड़कर ओवर एक्टिंग निकाला है डायरेक्टर ने, मानना पड़ेगा भाई डायरेक्टर को। कंपेयर करें भी बागमती से तो कैसे करें। एक तरफ है अनुष्का शेट्टी का डायलॉग डिलीवरी जो मुर्दे में भी जान डाल दे, और दूसरी तरफ है भूमि पदनेकर, एक सस्ती बॉट की तरह जो भी स्क्रिप्ट लिख के दिया गया था उसको उल्टी कर दी है। आप लोगों को बिक्सबी, सीरी, गूगल असिस्टेंट ये लोग भी एक टाइम के लिए ह्यूमन लगने लगेंगे। शुरुआत से अंत तक ट्रेलर देखा मैं, वेट किया मैं, कुछ तो हटके करेंगे, कुछ तो डिफरेंट करेंगे। हटके के चक्कर में पेशेंस की मटकी फटके हाथ में आ गई। बागमती के एंडिंग में अनुष्का शेट्टी ने ऐसा एक्टिंग किया था कि रोंगटे खड़े हो गए थे। जस्टिस करने के लिए क्या हाथ पैर मारेगी भूमि पदनेकर, वो देखने की बात थी। पर उसने मुंह खोला और हग दिया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दुर्गामती ट्रेलर। मूवी 11 तारीख को आने वाली है, देखते हैं कितना अच्छा हुआ है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।